हेलो एवरीवन, दिस इज मी वाना अजम एंड यू आर वाचिंग माय अनदर व्लॉग। अच्छा, अब मैं दरअसल आपको बताना चाहती हूँ, व्लॉग्स में कुछ डिफरेंट होगा। आई एम सॉरी, मैं डेली व्लॉगिंग तो नहीं कर सकती अभी क्योंकि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ ज़्यादा, बट यस आई विल ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट, लाइक अ वीकली व्लॉग। वीकली व्लॉग या माइट बी अ ट्रियो व्लॉग लाइक ऑफ थ्री डेज। इन दिनों में जो कुछ भी होगा आई विल शो यू कि क्या क्या हुआ। आज के दिन में मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ फॉर द यूट्यूब टू, सो उसकी थोड़ी सी करनी है। इसके करने के बाद तो मैंने सेटअप शेटअप रखा हुआ है सारा। इट्स अबाउट ब्राउन मॉम्स। क्या तुम लोगों ने मामा मामा लगाया हुआ है? नहीं, तुम लोग की मामा है। आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे 9 बजे कॉल आई कि आपका पार्सल है तो वो आप रिसीव कर लें। मैंने कहा ठीक है, मुझे कहते 5 मिनट में हम आ रहे हैं, और मैं उठकर लॉन में फिरने लग गई और मैंने कहा यार अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई है। बट वो बंदा तकरीबन 12 बजे आया और उस वक्त मैं सो रही थी अगेन। देन आई कॉल्ड हिम बैक 12 बजे के पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ, क्या हुआ? तो कहते आपके पार्सल रिसीव हो गया और मेरी मम्मा ने रिसीव कर लेते। आई वाज लाइक अगेन आई कॉल्ड हिम कि भाई मुझे नहीं पता था। सो दिस वाज द होल सीन। आज के लिए कुछ ये था कि मैं आज जल्दी जागी बिकॉज ऑफ द कॉल ऑफ द पार्सल विच आई गॉट टुडे। अभी पता है मैंने सेटअप कैसे किया, बिकॉज आई हैव टू मेक अ वीडियो लॉन एंड आई हैव टू शूट एवरीथिंग अलोन। सो मेक श्योर करना था कि यार बंदे की शक्ल, मतलब एक मेरी शक्ल आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैंने फ्रंट पर एक मिरर लगाया एंड आई जस्ट पुट माई कैमरा इन फ्रंट ऑफ इट एंड लुकिंग माई सेल्फ इन फ्रंट द मिरर कि मेरी क्लियर आ रही थी नहीं आ रहा। सो दिस इज माई सेटअप टू सी माई सेल्फ, हम आर लुकिंग गुड और नॉट, एंड दिस इज द थिंग्स। अभी मुझे दोबारा से सारा कुछ करना है। That's the reason why I'm looking there too. Because I'm looking myself there. Am I looking good or not? Okay, so aaj ke liye itna tha. Kal milte hain inshallah. Bye bye. Assalamu alaikum with a day 2. Aaj hai day 2 aur aaj main kya kya karne wali hoon. आज वैसे मैं कर आई हूँ सारा काम। मैंने घर शर को देख लिया था, सेटअप शेटअप कर लिया, सब क्लीनिंग कर ली। अब नेक्स्ट सीन ये है कि मैं सोच रही हूँ कि अपने फेस को भी कुछ करना चाहिए, तो आज मैं कहने लगी हूँ क्लींजिंग। कुछ सामान इसके अंदर रखा हुआ है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज दिस। मेरे पास ना 2 क्लींजर्स हैं, एक है ये वाला और एक ये वाला। बेसिकली इसको मैं ज़्यादातर हैवी लाइक जब मेरा मूड हो, जब मेरा मूड ज़्यादा ही ख़राब हो गया हो, तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। दिस वन लॉरियल पेरिस वाला एज परफेक्ट क्लिनजिंग मिल्क। लेकिन मैं दरअसल कहीं जाऊँ तो मेरा मूड तब ख़राब हो, लेकिन अभी मैं घर पे हूँ तो इस वजह से मैं ईजी है निविया वाला कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाला हैवी है थोड़ा सा। और मैंने थोड़ा सा हाथ पे लगाया एंड देन मैं ज़रा उसको फेस पे लगाती हूँ। सोचा था कल क्लिनजिंग कर लूँ, लेकिन कल मैंने वीडियो बनाई थी तो जिसकी वजह से मैंने की नहीं। अब आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो दैट्स वेरी नाइस, अगर नहीं देखी तो देख लें। ब्राउन मॉम एंड आई एम आल्सो थिंकिंग कि ब्राउन डैड भी होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट डिटेल। मैं बता रही हूँ कि शायद मैं ब्राउन डैड वाला सीन करूँ, पर मुझे अभी टिप्स नहीं याद आ रहे ब्राउन डैड करते क्या क्या। मैंने ये कॉटन रखी हुई अपने पास, तो मैं कॉटन फिर यूज़ करती हूँ क्योंकि इसको अब मैंने उतारना है। बाद ना मैंने पहले थोड़ा सा मास्क यूज़ किया था, अब ये मास्क है जो मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द मास्क, द टी ट्री क्ले मास्क। वैसे मेरे पास और भी फ्लेवर्स हैं लाइक ब्लूबेरी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, बट अभी फ़िलहाल जो मैंने खोला हुआ ये है टी ट्री मास्क दिस। और मैं इसको लगा लूँगी, सुबह भूत बनने लगी है। No, please don't speak it. You are gone here. मैंने पीछे शीशा लगाया हुआ दरअसल, जिसकी वजह से मैं उधर देख रही हूँ। 15 मिनट्स के लिए छोड़ा था ब्रेक। ओके, फेस वॉश हो चुका है और जिसको फर्क नहीं लग रहा कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, चारकोल प्योरीफाइंग शीट मास्क। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज नाउ। ऑल आई हैव टू पील इट ऑफ। ओके, ओके, मैंने अब ये लगा लिया, ठीक है। माने आजम जिन बनने लगी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा। अच्छा खैर,
ये वाला मैंने लगा लिया है और अब इसको हम रखेंगे राउंड अबाउट 15 मिनट्स इसका भी है तो इसको रखते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं गाने लगी हूँ कॉन्सर्ट अपना प्राइवेट, गाने शाने गाते हैं। Okay, now I have to take it off. I think it's more than 15 minutes. Oh, all right. So this is me again, Vanya Azam. परेशान हो गए थे लोग कि वान्या किधर चली गई, तो मैंने सोचा बता दूं इधर ही हूँ मैं, इसके पीछे छुपी हुई थी। तो ये था क्लिनजिंग रूटीन सेटअप जो मैं खुद को करने के लिए इंजॉय करती हूँ। वैसे मेरा दिल है कि मैं ना वो लगाऊं, मेरे कान में दर्द हो गई। मैं इसके बाद ऐसे सिरम यूज़ करती हूँ अक्सर जब मुझे ज़्यादा एक्ने या कुछ ऐसे फील हो रहा हो, तो मैं ये वाला सिरम आई जस्ट यूज़ दिस वन। सो दिस इज़ वेरी नाइस, विटामिन सी का है, हाइड्रोक्लोरिक पदन जो भी है, हायर विटामिन सी का है, इट्स वेरी नाइस। आई जस्ट यूज़ इट समटाइम्स बट नॉट वॉन्ट टू यूज़ इट नाउ क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है, तो इस तरह से दिल नहीं चाह रहा। वैसे दिस इज़ व्हाट आई यूज़। अभी मैं सोच रही हूँ कि नेल पॉलिश लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो नेल पॉलिश इज दिस वन, आई जस्ट लाइक दिस वन बिकॉज इट्स माय फेवरेट। दिस इज द कलर व्हिच आई यूज अ लॉट, लेट्स यूज इट। हर बारी मेरे से ही नहीं खुलती पर खुल गई आज, हर बारी खुल भी जाती है कुछ ये वाला सीन, ठीक है। So my nails are done now and I'm feeling so much happy. Basically लोग कहते हैं कि आपकी स्किन पर मतलब काफ़ी लोग इस तरह समझते हैं कि लड़के ज़्यादा ही समझते हैं कि यार स्किन को फ़र्क तो पड़ा नहीं है, इतना सब कुछ कर लिया है सारा कुछ ना, लेकिन नहीं, बेसिकली इट इज़ यूज टू मेक योर सेल्फ फ्रेश। अब मैंने ये किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वाने यू डिड योर बेस्ट, अब आगे जो मर्जी हो आई डोंट केयर बिकॉज आई फील लाइक आई डिड माई बेस्ट जॉब एंड आई केयर फॉर माई सेल्फ। So I think that's all things that make you feel like you are in a discipline. You are making yourself disciplined. So agar aap apna self-discipline clear kar rahe ho aur usko leke chal rahe ho to ye aapke dil ko khush karta hai. And I don't think so ke we are doing this just to become white and matlab is tarike se nahin. Just make yourself clean, make yourself clear and make yourself fresh. To do these all steps, I want to do these things and every girl do this thing. So this is how I spend my day. Okay ji, kal milte hain fir inshallah, Allah Hafiz, bye. Hello, with the day 3, aaj hai day 3 aur aaj kya kya hone wala hai, aaj maine thode se kaam karne hain. Pehli baat ye ki aaj Sunday hai aur aaj ke din mein maine sabse pehle content shoot karna hai brown dad ka, jise maine brown mom kiya tha, saath mein videos mein saath mein dal rahi hu aur fir ab aaj brown dad ka karna hai. Okay, maine na ek kurta pehen liya hua lekin ab baalon hi samajh nahi aa rahi ki cover kaise karun. तो बाल जुड़ा करने की कोशिश करें, जो जितने बाल हैं मेरे बड़ी मुश्किल हो गई। एंड दिस इज द टॉपी ऑफ द ब्राउन डैड, ये वन ऑफ ब्राउन डैड। आज ब्लॉग एंड कर लेती हूँ बट सोच रही हूँ नहीं यार एक दिन और कर लेते हैं। ये नमाज पढ़ पढ़ के ये टोपी जो है ना इधर ही रुक गई है, उतरती नहीं है। ये The next day. Hello, with the day 4. आज है day 4 और आज मेरा वीक तो नहीं लेकिन व्लॉग का आखिरी दिन है। सो आज के आखिरी दिन में मैं आई थी लोन के अंदर कि मैंने क्या सोचा यार कि ये ना कुछ कंटेंट वगैरह लिख लेते हैं, बकाया आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से। खरगोश नंबर 1 एंड खरगोश नंबर 2 और उसको लग रहा है कि मैंने कुछ देना था लेकिन मैंने को पहले दे दिया। आपको चीज़ें और दिखाती हूँ। ये जी मामा ने लगाई है यहाँ पर भिंडी थी, मतलब मुझे भिंडी पसंद है ना इसलिए मुझे भिंडी याद है सिर्फ, और पता और भी था कुछ लाइक भिंडी थी, करेले थे शायद कि पता नहीं क्या है यहाँ पे, बंद गोभी है ये क्या होता है। यहाँ पे माली बाबा से कह के ये लगवाइए ताकि खरगोश ना आ सके क्योंकि ये ना आते हैं और इधर आ जाते हैं और ये खा जाते हैं सामान। अभी बीच वगैरह डाला हुआ है इस इधर तो अभी सिस्टम हो रहा है। बकाया ये फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं, ये फ्लावर्स हैं यहाँ पर भी पुदीना है कि पता नहीं क्या है,
कुछ है। मैं सेपरेट भी व्लॉग कर लूंगी लोन का। ये जाली इधर भी लगाई हुई है ताकि ये लोग अपनी इधर से इन्होंने इसको निकाला था ये जो लकड़ी है और अंदर चले गए थे। तो मतलब सब्जियां उगा रही हैं मामा ना, उनको शौक है तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। के बेबीज हैं, मैं नाम बताती हूँ। ये जो ये वाली है ना, ये वाली ये है लूना, ये है लीली, सॉरी आई एम सो सॉरी। अच्छा दिस वन इज़ द कोको, कोको मिस सॉरी मिस्टर है शायद ये, मिस्टर कोको एंड मिस्टर फ्लफी। कोको, फ्लफी, लूना, लीली। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे आज सेटिंग करनी चाहिए, जो सब कुछ इतना बिखर गया है ना, ये सारा कुछ मुझे सेट करना है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आज के दिन हम सिर्फ कंटेंट लिखते हैं और कंटेंट लिखने के बाद हम फिर कल शूटिंग कर लेंगे। So this is the after scene. Now it's all done. And yes, washroom is sab done ho chuka hai. Done. Everything is done now. Okay, thank you so much for watching my video. If you like my video, so like, share and subscribe karna aur apna khayal rakhna sare. Aur aaj finally vlog done ho chuka hai. 4 din ka vlog aur inshallah aage bhi main continue karne ki koshish karungi. To apna khayal rakhna. Bye bye. Allah Hafiz and take care. Be happy. Murder on call with the fun now. 20 years in the same like a lifetime.